Hi guys, welcome back to our new another video. मेरा नाम मनीषा है और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। तो हर बार की तरह हम इस बार भी आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो और बहुत ही अमेजिंग सा ये इंडिपेंडेंट विला लेके आए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हमारे लोकेशन की। लोकेशन रहने वाली है सेक्टर 86 मोहाली नियर टू चंडीगढ़। तो गाइज आप लोगों को इस घर का साइज गेस करके कमेंट सेक्शन में मुझको बताना है कि आपको क्या लगता है इस घर का साइज क्या होगा। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं हम हमारे एलिवेशन की। एलिवेशन जैसा आपने देख ही लिया है, बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही लग्जरियस ये इंडिपेंडेंट विला आपको मिलने वाला है। यहाँ पर एलिवेशन आपने देख लिया, वुडन का काम देख सकते हैं कितना अमेजिंग वुडन का काम यहाँ पे किया गया है। सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी रह गई थी वो थी ये कि ये घर है सबसे कॉर्नर का, तो कॉर्नर घर का जो रहता है कि बहुत ही अलग अलग तरह की आपको फैसिलिटीज मिल जाती हैं। पार्क मिल जाता है आपको सेपरेटली यहाँ पे, वो अभी मैं अंदर जाके आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे आपको दो एंट्रेंस मिलने वाली है, फर्स्ट एंट्रेंस ये रहेगी एंड सेकेंड एंट्रेंस है बैक साइड से, वो भी हम देख लेंगे गाइस। एलिवेशन की तो अब हम बात कर ही चुके हैं, तो अब बात कर लेते हैं हम हमारे पार्किंग स्पेस की। तो जो पार्किंग स्पेस आपको मिलने वाला है घर के अंदर, आप दो गाड़ियां बड़ी पार्क कर सकते हैं एंड दो गाड़ियां आप यहां पार्क कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको आपके घर के सामने गाइस 40 फीट की वाइड रोड मिल रही है, बहुत ही अमेजिंग है। मैं दिखा देती हूँ आपको आपके घर के सामने ही, ये देख सकते हैं आप घर के सामने ही आपको कितनी वाइड रोड आपको यहाँ पे मिल रही है आपके घर के सामने। तो आपने देख ही लिया है कि पूरे ही घर में आपको कहीं पे भी पार्किंग का कोई भी इशू नहीं होने वाला है। पांच आपकी गाड़ियाँ आराम से पार्क हो जाएंगी, दो अंदर दो बाहर तीन बाहर, कैसे भी आप पार्क करना चाहें तो पार्किंग का कोई इशू नहीं रहने वाला है। तो गाइज एलिवेशन की बात कर ली, पार्किंग स्पेस की बात कर ली, सब बात कर चुके हैं, अब बारी आती है हमारे घर के अंदर जाने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बड़ा सा आपको यहाँ पे गेट मिल रहा है जो कि रहने वाला है स्लाइडिंग गेट विद रिमोट कंट्रोल। देख सकते हैं आप, मैंने खुद से ओपन नहीं किया है, रिमोट से मैंने ओपन किया, आपने देख ही लिया है। तो अभी चलते हैं, मैं आपको लेके चलती हूँ घर के अंदर। ये अब हम पहुंच चुके हैं हमारे घर के अंदर, देख सकते हैं काफी स्पेशियस एरिया यहाँ पे भी आपको एज वेल मिल रहा है। यहाँ पे भी आप अपनी दो बड़ी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया ही था। और अभी मैं आपको घर के अंदर लेके जाऊं, उससे पहले हम बाहर का एरिया कवर करना चाहेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ आपका पार्क एरिया, आपका जो ग्रीन एरिया रहने वाला है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, काफी स्पेशियस ग्रीन एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है गाइस। कॉर्नर होने का फायदा यही है कि आपको बहुत एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सर्दियों का टाइम है गाइस, तो धूप एंजॉय करना आप बिल्कुल चाहेंगे तो ये देख सकते हैं काफी स्पेशियस यहाँ पे आपको आपको पार्क मिल जाता है, ग्रीन एरिया मिल जाता है, देखा ही आपने। एंड उसके बाद आपने देखा, मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, पेड़ यहाँ पे अमरूद लगा हुआ है, यहाँ पे आ जाते हैं पपाया यहाँ पे लगाया गया है, देख ही लिया है गाइस पूरे ही घर में आपने कितना स्पेशियस ये घर है आपको मिलने वाला है जो। तो गाइस अब हमने हमारा लोन तो देख ही लिया है, हमने गार्डन एरिया हमारा देख ही लिया है, तो अब आ रही है हमारे घर के अंदर जाने की फाइनली। मुझे पता है आप बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब हम आपको घर के अंदर लेके जाएंगे, तो अब बारी आ चुकी है हमारे हम घर के अंदर जाने की। तो आइए मेरे पीछे, स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैच डोर मिल जाता है सबसे पहले, उसके बाद वुडन का डोर मिल जाता है, काफ़ी बेहतरीन। तो जैसे ही हम घर के अंदर एंटर करते हैं सबसे पहले आ जाता है आपका पाउडर रूम। ये है आपका पाउडर रूम, सो दैट कल को अगर कोई गेस्ट आए तो आपके बेडरूम के वॉशरूम को यूज़ करने के बजाय वो यहाँ का वॉशरूम यूज़ करे, इससे क्या रहता है कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। तो बहुत ही अमेजिंग पाउडर रूम हमने देख ही लिया है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, वुडन की फॉल सीलिंग यहाँ पे लगाई गई है। और उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग पार्टीशनिंग यहाँ पे की गई है, आप देख सकते हैं वुडन की पार्टीशनिंग यहाँ पे की गई है।
बहुत ही यूनिक ये पार्टीशनिंग यहाँ पे की गई है, देख सकते हैं आप। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। ये है आपका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस डाइनिंग एरिया, ड्राइंग एरिया यहाँ पे आपको मिल रहा है। काफ़ी स्पेशियस, आपने देखा है यहाँ पे गाइस कितना स्पेशियस यहाँ पे आपको आपका ड्राइंग रूम मिल रहा है। और उसके बाद फॉल सीलिंग की बात कर लेते हैं। फॉल सीलिंग देख सकते हैं आप ऊपर, बहुत ही अमेजिंग वुडन की फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिल रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑलरेडी यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल इंस्टॉल किया गया है, उसके बावजूद भी बहुत ही स्पेशियस एरिया है कि आप मूव कर सकते हैं। एंड आपने देख ही लिया है टीवी पैनल एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग टीवी पैनल एरिया यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो किचन के अंदर जाने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी पार्टीशनिंग की गई है प्रॉपर। ये आ जाता है आपका किचन, फुल्ली मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे मिल रहा है आपके घर में, देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग किचन। गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक मैंने ऐसा किचन नहीं देखा है, तो बहुत ही अमेजिंग किचन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फुल्ली मॉड्यूलर किचन ये है, कैबिनेट्स आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कैबिनेट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ताकि आपको आपके किचन में कोई स्टोरेज की इशू ना हो, देख ही लिया आपने। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी आपके किचन में विंडो आ जाती है, ये आ जाती है विंडो, ताकि आपके किचन में आपको वेंटिलेशन प्रॉपर मिलते रहे एंड सनलाइट आपको प्रॉपर मिलता रहे। यहीं पे आप देखेंगे हॉप, ये आ जाता है हॉप एरिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो यहाँ पे सीट्स इंस्टॉल की गई है, ताकि आप यहीं पे अपना ब्रेकफास्ट कर ले। तो ये था बहुत ही अमेजिंग हमारा फुल्ली मॉड्यूलर किचन। तो अब बारी आती है हमारे बैकयार्ड की तरफ जाने की। आपके किचन से ही आपके बैकयार्ड की एक्सेस है, यहाँ से आप देख सकते हैं, आ जाइए। तो ये है हमारा बैकयार्ड जहाँ पे आप अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। एंड गाइज मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो गेट हैं, क्योंकि ये कॉर्नर का घर है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे दो गेट मिल रहे हैं। एक गेट यहाँ पे, एक गेट फ्रंट पे मैंने आपको दिखाई दिया था, ये हमारा सेकंड गेट है। सो दैट अगर आपको कल को अपने घर में सर्वेंट्स रखने हैं, तो सर्वेंट अपनी एंट्री यहाँ से कर सकता है, बजाय आपके घर के फ्रंट वाली एंट्री से, ठीक है। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम को देखने की बारी आ जाती है, जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ही बना हुआ है। ग्राउंड पे ही हमने हमारा फर्स्ट बेडरूम बनाया है, तो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट बेडरूम, आ जाइए। तो गाइस फर्स्ट बेडरूम दिखाने से पहले मैं आपको ये एरिया दिखाना चाहती हूँ। ये जो एरिया है, ये है स्टडी एरिया, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टडी एरिया यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे बेशक आप स्टडी करें, या फिर अपनी गेमिंग करें, या फिर अपना वर्क फ्रॉम होम यहाँ से करें, तो स्पेशली एक अलग सा जगह यहाँ पे हमने जो कि है स्टडी रूम के लिए, मतलब स्टडी एरिया के लिए बनाया है। तो अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, आ जाइए। ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, दिस इज़ आर फर्स्ट बेडरूम गाइज। काफ़ी स्पेशियस बेडरूम आपको आपका यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं। फॉल सीलिंग देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग वुडन की फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिल रही है, बहुत ही अलग सी फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे वार्डरोब्स देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल रहे हैं विद स्लाइडिंग डोर, फुल हाइट तक के वार्डरोब्स हैं, सो दैट आपको कोई इशू नहीं रहेगा यहाँ पे आपके स्टोरेज का। एंड उसके बाद आपके ठीक बेड के सामने आ जाता है आपका टीवी पैनल एरिया, जहाँ पे आप कोई भी साइज़ का टीवी अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे विंडो, ये आ जाती है, बड़ी सी विंडो आपको यहाँ पे मिल रही है, ताकि आपके बेडरूम में वेंटिलेशन एंड सनलाइट प्रॉपर मिलती रहे। उसके बाद मैं आपको लेके जाना चाहूँगी ड्रेसिंग एरिया की तरफ, ये आ जाता है हमारा ड्रेसिंग एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा ड्रेसिंग एरिया यहाँ पे आपको मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी यहाँ पे आपको मिरर मिल रहा है। देन उसके बाद अब हम देखेंगे हमारा इस बेडरूम का अटैच्ड वॉशरूम, ये आ जाता है हमारा अटैच्ड वॉशरूम। टाइल वर्क देख सकते हैं गाइस, बहुत ही अमेजिंग टाइल वर्क यहाँ पे किया गया है। ये है हमारा अटैच्ड वॉशरूम, अभी अभी हमने हमारा फर्स्ट बेडरूम देखा गाइस, कितना अमेजिंग बेडरूम आपको देखने को यहाँ पे मिला है। तो उसके बाद मैं आपको लेके जाना चाहूँगी अपस्टेयर्स, हम चलते हैं अब हमारे फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर की तरफ।
ये आ जाते हैं स्टेयर्स, देख सकते हैं यहाँ पे कितने अमेजिंग यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिल रहा है गाइस। और यहाँ पे आपको 3 बेडरूम देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका लॉबी एरिया, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा टाइल वर्क यहाँ पे किया गया है। टाइल की अगर बात की जाए तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे टाइल लगाई गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन फॉल सीलिंग यहाँ पे भी आपको मिल रही है देखने को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सोफ़ा इंस्टॉल किया गया है, यहाँ पे अपना सुबह शाम अपना फैमिली के साथ बैठ सकते हैं आराम से। उसके बाद मैं आपको लेके जाना चाहूँगी हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। ये है जो कि हमारा सेकंड बेडरूम, देख सकते हैं गाइस कितना अमेजिंग बेडरूम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लू लाइट ब्लू बहुत ही अमेजिंग से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फॉल सीलिंग की अगर बात की जाए तो फॉल सीलिंग में भी कोई काम नहीं छोड़ा गया है, ऐसा है ही नहीं। फॉल सीलिंग भी आप देख सकते हैं बहुत ही अलग और बहुत ही अमेजिंग फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है विद LED लाइट्स। यहीं पे आप देखेंगे वार्डरोब्स आ जाते हैं आपके, फुल हाइट तक के वार्डरोब्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है स्टोरेज का। मेनली घर में कभी कभार होता है कि हमारे पास सामान बहुत होता है और रखने की कोई जगह नहीं होती, बट यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम आए। यहाँ आप देख सकते हैं एक स्टडी करने के लिए जगह बनाई गई है यहाँ पे सेपरेटली, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख के। यहीं पे सामने आ जाता है आपका TV पैनल एरिया, ये है आपका TV पैनल एरिया, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा TV पैनल एरिया यहाँ पे आपको मिल रहा है देखने को। देन उसके बाद यहीं पे आपको आपकी विंडो मिल जाती है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ी सी विंडो आपको यहाँ पे मिल रही है देखने को। उसके बाद मैं आपको लेके जाना चाहूँगी ड्रेसिंग एरिया की तरफ। ये है हमारा ड्रेसिंग एरिया, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी सी यहाँ पे फुल साइज़ की मिरर यहाँ पे लगाया गया है, देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे भी आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं, वार्डरोब्स मिल जाते हैं, सो दैट आपको कोई इशू ना हो स्टोरेज का। देख ही लिया आपने पूरे घर में, आपके पूरे बेडरूम में कोई स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब बारी आती है हमारे अटैच्ड वॉशरूम को देखने की। ये है हमारा अटैच्ड वॉशरूम, देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस और मतलब डिसेंट स्पेस के साथ आपको आपका अटैच्ड वॉशरूम मिल रहा है। टाइल वर्क देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग टाइल वर्क और काफ़ी यूनिक टाइल वर्क यहाँ पे किया गया है। हाँ, आपके बेडरूम की भी टाइल वर्क मैं आपको दिखाना चाहूँगी, काफ़ी यूनिक टाइल वर्क है यहाँ पे गाइस, देख सकते हैं। आई डोंट थिंक सो आपने आज से पहले ऐसा कोई टाइल वर्क देखा होगा, काफ़ी अमेजिंग टाइल वर्क यहाँ पे किया गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कोट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम, अब बारी आती है हमारे थर्ड बेडरूम को देखने की। तो ठीक इसके साथ में ही आपका थर्ड बेडरूम है, आ जाइए। ये है हमारा थर्ड बेडरूम, देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस बेडरूम यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारे आ जाते हैं आपके वार्डरोब्स, काफ़ी फुल हाइट तक के वार्डरोब्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। फॉल सीलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है विद वुडन की फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे मिल रही है विद LED लाइट्स। एंड उसके बाद ये आ जाता है आपका TV पैनल एरिया, ये है आपका TV पैनल एरिया। देन उसके बाद यहीं पे ही आपको आपके बेडरूम में एक विंडो मिल जाती है, सो दैट आपको वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो एंड सनलाइट की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमारी बारी आती है अब वॉशरूम को देखने की, ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम। तो गाइस इस वॉशरूम की एक्सेस आपके सेकंड बेडरूम से भी है जो मैंने आपको दिखाया ही था, एंड आपके थर्ड बेडरूम से भी इस वॉशरूम की एक्सेस है। ये था हमारा अटैच्ड वॉशरूम। देन उसके बाद अब बारी आती है हमारे बालकनी को देखने की, अभी मैं आपको बालकनी में लेके चलती हूँ, आ जाइए। तो गाइज ये है हमारी बालकनी, आप देख सकते हैं आपके थर्ड बेडरूम से आपके बालकनी की एक्सेस है, एज वेल आपके सेकंड बेडरूम से भी आपके बालकनी की एक्सेस है। तो ये है आपकी बालकनी,
बहुत ही बड़ी सी बालकनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है गाइस, तो पूरे ही घर में आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है कि कोई स्पेस नहीं है, बालकनी नहीं है हमारे पास। देख ही लिए आपने, बालकनी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, बहुत ही बड़ी सी बालकनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड देन उसके बाद आसपास का व्यू भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एरिया है, डेवलप एरिया आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अब हमने हमारा बालकनी देख लिया है, हमने हमारे सेकेंड बेडरूम थर्ड बेडरूम देख लिया है, तो सब हम देख चुके हैं। अभी मैं आपको लेके जाना चाहूँगी हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ, यहीं से ही आप देख सकते हैं, आ जाइए मेरे पीछे। ये है आपका फोर्थ बेडरूम, देख सकते हैं आप कितना स्पेशियस बेडरूम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये है आपका मास्टर बेडरूम गाइज, ये आपका मास्टर बेडरूम है आपका यहाँ पे। तो देख ही आपने, फॉल सीलिंग देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अमेजिंग यूनिक डिज़ाइन की आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग देखने को मिल रही है। टाइल वर्क आप देख सकते हैं, पूरे घर में किसी भी चीज़ की कमी यहाँ पे छोड़ी नहीं गई है गाइज, आपने देख ही लिया है। वुडन का वर्क कितना अमेजिंग किया गया है आपने देख लिया। यहीं पर ही आपको वार्डरोब्स मिल जाते हैं आपके, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम, तो आपने देख ही लिया कितना स्पेशियस बेडरूम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एंड देन उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी आपका टीवी पैनल एरिया, ठीक है, आपके बेड के सामने आ जाता है आपका टीवी पैनल एरिया। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी आपका अटैच्ड वॉशरूम, उससे पहले आप देखेंगे आपका ड्रेसिंग एरिया। ये है आपका ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फुल हाइट तक के वार्डरोब्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ये है आपका ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन सा कैबिनेट यहाँ पे आपको मिल रहा है, काफ़ी सारे यहाँ पे आपको कैबिनेट्स देखने को मिल रहे हैं ताकि आपको कोई स्टोरेज की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे अटैच्ड वॉशरूम को देखने की, अच्छा ये है हमारा अटैच्ड वॉशरूम, जहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लास की पार्टीशनिंग यहाँ पे की गई है, टाइल वर्क देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग टाइल वर्क यहाँ पे किया गया है गाइज। एंड देन हमने हमारा फोर्थ बेडरूम मास्टर बेडरूम देख लिया, अटैच्ड वॉशरूम देख लिया, तो गाइस बालकनी देख लेते हैं। आपके मास्टर बेडरूम से आपके बालकनी की एक्सेस है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ, यहीं से ही आपके बालकनी की एक्सेस है। देखिए गाइस कितनी अमेजिंग सी बालकनी यहाँ पे आपको मिल रही है विद डिसेंट स्पेस के साथ। एरिया आप देख सकते हैं, आप आराम से मूव करिए, कोई इश्यू नहीं होने वाला है, देख सकते हैं आप, बहुत ही स्पेशियस ये घर है, इंडिपेंडेंट विला है। और मैंने आपको बोला था कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस घर का साइज क्या होगा। एंड उसके बाद मैं वापस आपको लेके जाना चाहूंगी अंदर लॉबी एरिया की तरफ, वहां से भी एक बालकनी है वो भी हम देखेंगे अभी, तो चलिए लॉबी एरिया की तरफ वापस। हमने हमारी बालकनी तो देख ही ली है गाइस, उसके बाद मैं आपको वापस से लॉबी एरिया की तरफ लेके जाना चाहूँगी, वहाँ से भी हमने एक और बालकनी देखनी है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये हमारा लॉबी एरिया, और यहीं से ही आपके एक और बालकनी की एक्सेस है, आ जाइए। तो ये है हमारी एक और बालकनी, देख सकते हैं, एंड काफ़ी अमेजिंग सा ये बालकनी है, यहाँ से आप अपना व्यू इन्जॉय कर सकते हैं, सुबह शाम की कॉफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं, चाय इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आसपास में आप एरिया देख सकते हैं, काफ़ी डेवलप एरिया है गाइस, एंड काफ़ी सारे यहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि कोई रहता नहीं है यहाँ पे, तो आप देख ही रहे हैं खुद से कि काफ़ी यहाँ पे लोग रहते हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट यहाँ पे हो रखी है। अगर आप सोच रहे हैं कि सारे कमर्शियल मार्केट्स कितनी दूर हैं, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे सारे कमर्शियल मार्केट्स आ जाते हैं, तो कोई इशू नहीं होने वाला है आपको। तो अभी वापस से मैं आपको अंदर लेके जाना चाहूँगी घर के, आ जाइए। तो हमने हमारा बालकनी देख ही लिया है और बाकी सब हम बात कर ही चुके हैं, तो अब बारी आती है हमारे सेकेंड फ्लोर पर जाने की, जहाँ पर टू रूम्स और हैं, टू बेडरूम्स आपको और देखने को मिलने वाले हैं, तो आ जाइए मेरे पीछे। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी अमेजिंग सा वॉलपेपर यहाँ पे लगाया गया है। तो अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, ये आ जाता है, या आप इसको फैमिली लाउंज एरिया बना ले, या इसको आप एज अ लॉबी एरिया बना ले, जैसा भी आपको पसंद हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी आपका फिफ्थ बेडरूम गाइस, तो ये देख सकते हैं आप फिफ्थ बेडरूम, इसको अभी के लिए एज अ बुटीक रखा गया है। वैसे तो ये बेडरूम है, आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे वर्क किया गया है,
ये आप अपने घर में देख सकते हैं, काफ़ी सारे बेडरूम्स आपने देखे, तो इस बेडरूम को ये बनाया हुआ है बुटीक। तो देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस बेडरूम यहाँ पे आपको मिल रहा है देखने को। फॉल सीलिंग देख सकते हैं, एज इट इज़ आपको फॉल सीलिंग मिलने वाली है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे विंडो मिल जाती है आपको बड़ी सी, सो दैट वेंटिलेशन प्रॉपर आपको मिलती रहे एंड सनलाइट प्रॉपर आपको मिलती रहे। यहीं से आपकी बालकनी की एक्सेस है। काफी बड़ी सी बालकनी आपको आपके सेकंड फ्लोर पे भी मिल रही है, देख सकते हैं आप। काफ़ी अच्छी बालकनी, काफ़ी स्पेशियस बालकनी आपको यहाँ पे मिल रही है, तो आपको इशू नहीं होने वाला है यहाँ पे, आप थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं। एंड आपके सिक्स फिफ्थ बेडरूम से आपके बालकनी की एक्सेस है एंड आपके सिक्स बेडरूम से भी आपके बालकनी की एक्सेस है यहाँ पे। उसके बाद अभी मैं आपको लेके जाना चाहूँगी लास्ट बेडरूम की तरफ, जो कि हमारा ये है सिक्स्थ बेडरूम। ये है हमारा लास्ट बेडरूम, आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस, अगेन यहाँ पे भी आपको काफी स्पेशियस बेडरूम मिल रहा है। फॉल सीलिंग देख सकते हैं, एज इट इज आपको फॉल सीलिंग मिलने वाली है, वुडन की फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। वार्डरोब देख सकते हैं विद स्लाइडिंग डोर, यहाँ पे आपको वार्डरोब्स मिल रहे हैं, काफी अच्छे वार्डरोब्स हैं, फुल हाइट तक के वार्डरोब्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद ठीक आपके बेडरूम के सामने आपका आ जाता है टीवी पैनल एरिया, ये है आपका टीवी पैनल एरिया। उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगी आपका अटैच्ड वॉशरूम, ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम, काफी डिसेंट स्पेस के साथ आपको यहाँ पे आपका वॉशरूम मिल रहा है। एंड सॉरी गाइज, मैंने आपको विंडो तो दिखाई नहीं, ये है आपकी विंडो, आपके सिक्स बेडरूम पे बेडरूम में आपको आपकी विंडो मिल रही है ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर मिलती रहे एंड सनलाइट प्रॉपर मिलती रहे। एंड बेडरूम यहाँ से मैंने आपको बालकनी तो दिखाई दी है, तो आपके सिक्स बेडरूम से भी आपके बालकनी की एक्सेस है एंड आपके फिफ्थ बेडरूम से भी आपके बालकनी की एक्सेस है, सो दैट मीन्स आपके दोनों बेडरूम से आपके बालकनी की एक्सेस है। तो हमने हमारा दोनों बेडरूम देख लिया है हमारे सेकेंड फ्लोर का, अब सबसे आखिरी में बारी आती है हमारे बालकनी एरिया को देखने की। ये देखिए गाइज, ओ माई गॉड, लुक एट द स्पेस गाइज, कितना स्पेशियस एरिया यहाँ पे आपको मिल रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे एटलीस्ट गैदरिंग की जा सकती है, छोटी सी पार्टी यहाँ पे की जा सकती है, कितना ज्यादा स्पेस है आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज ये था हमारा बहुत ही अमेजिंग लग्जरियस विला, बहुत ही अमेजिंग देख ही लिया आपने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली मैं भी बहुत शॉक्ड हुई इस विला को देख के, क्योंकि ये विला बहुत ही अमेजिंग था और पूरा टूर मैं आपको करा ही चुकी हूँ। तो एक बार दोबारा मैं आपके साथ लोकेशन की बात कर लेती हूँ। लोकेशन है गाइस सेक्टर 86 मोहाली, नियर टू चंडीगढ़। एंड आपने इस विला का क्या सोचा साइज, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें कमेंट्स करके बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार। जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आगे आने वाली जो वीडियोज़ रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी।